ये भाई बेशर्मी सागी सारे कह और बिगड़िया सब लेकिन यहां भी खोट आ गया। नई नई यारी लाग गए प्यारी, नई नई यारी लाग गए प्यारी, थोड़े दिन में छकले के तो खा जा धन प्यारे का नाम बुआ भाण न तकले। यारों के प्रति आदर सा दूसरी गली और सच्चे महात्मा तो आज भी हैं, लेकिन पाखंडियों के बारे में लोगों को ज्ञान कराते, लोगों को सपने दिखाते हैं कि तुम्हारे को स्वर्ग दिखाएंगे, लेकिन उनको खुद को नहीं पता उनका भविष्य अंधकार में है। उन पाखंडियों के बारे में क्या बताया
आज कायर छतरी ये मेरे धन बनिया आज कायर छतरी मेरे धन बनिया एक शब्द भी अगर कान का जड़ का निकल गया समझो गाने वाले ने कुछ नहीं गाया। सदनो हम कुछ नहीं, क्योंकि गाने वाला कुछ नहीं, श्रोता का दर्जा गाने वाले से 20 गुना ऊंचा होता है। हम यहाँ खड़े कुछ नहीं, आप सब कुछ हो। चौथी गली उनके बारे में बताया, क्योंकि कलयुग राजा परीक्षित के बाद कलयुग आया। कलयुग ने राजा परीक्षित को बताया, अरे राजा परीक्षित तेरा क्या राज तेरे को मैं दिखाऊंगा। सुनिए भाई, ईसा क्या करेगा? कलयुग बोला, सुनो परीक्षित, राज मेरा ही आया है, अपने रहन सहन की खातिर ऐसा ढंग बनाया है। ईसा क्या करेगा? मेरे राज में बसा करेंगे ठग डाकू चोर लुटेरे, लेकर दीना करके खाना वे सेवक होंगे मेरे, सतपुरसाना न रहे ठिकाना उजड़ कर दूंगा डेरे, और फिर पापी मानसा की अर्थी पर जांगे फूल बखेरे, उन बंदा के कर दू गहरे जिन्हें सदा पाप का खाया है, अपने रहन सहन की खातिर ऐसा ढंग बनाया है। जो धर्म कर्म पे चलता है, सतमार्ग पे चलता है, उसको पछताना पड़ता है, चोर लुच्चे लफंगों की तब वो आगे उन्नति हो जाती है, लेकिन नहीं, सच्चाई हमेशा जीत में होती है, अंत में सच्चाई की जीत होगी। क्या बताते भैया? जगन्नाथ सही चत के चले।